मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं आज के इस परंपरा उत्सव के कार्यक्रम में। प्रणाम पंडित विष्णु मोहन भट्ट जी, प्रणाम सात्विक भट्ट जी। और जैसा कि मैं सबसे पहले शुरू करूंगा परंपरा उत्सव के बारे में बताते हुए, तो आज यंग एंड डायनेमिक आर्टिस्ट आर द टॉर्च बेयरर्स ऑफ आर ग्लोरियस हेरिटेज, द यूथ आर द पैट्रन्स, and it is the need of an hour to have these both on the same platform. SPIKMAKE has provided that platform for past 4 decades and is now ready to barge in a different realm of virtual world and bring these two important aspects of the cultural world together. To translate such motivation into veracity, we'd invite you to be a part of the Parampara Utsav, which would commence 20 June 2020. Vishnu Mohan Bhatt, Pandit Vishnu Mohan Bhatt, is one of India's most innovative musicians. The inventor of the Mohan Veena, Pandit ji has created a sound that blends the Western Hawaiian guitar with sitar, sarod, and veena techniques. The first Indian musician to be awarded the Musical Scientist Award in Bangalore, India, Pandit ji was praised by Acoustic Guitar magazine as one of the greatest and mostly expressive slide players in the world. Pandit ji has been awarded the Grammy Award for Best World Music Album, A Meeting by the River, in 1994. He has also been awarded the Padma Bhushan in 2017. Pandit ji has been blessing SPIKMAKE with his performances in various parts of the country. We welcome you again, sir. Now, I would like to give the session, hand over the session to Dhaval to follow up an introduction with Osati. आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं धवल त्रिपाठी, रायपुर छत्तीसगढ़ के केपीएस डूंडा का 12वीं कक्षा का छात्र। आप विष्णु मोहन भट्ट जी के पुत्र होने के साथ भट्ट वंश की 10वीं पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह वही भट्ट वंश है जिसमें संगीत की मधुर धारा 500 सालों से चली आ रही है। पंडित विष्णु मोहन भट्ट जी मोहन वीणा के रचयिता है जो संगीत जनक में एक क्रांतिकारी वाद्य रहा। आदरणीय पंडित जी की थाप रखते हुए और मोहन वीणा की विरासत को आगे बढ़ाते हुए बड़ी ही खूबसूरती से कुछ परिवर्तन कर अपनी सात्विक वीणा का सृजन किया। बहुत ही उम्दा वादन से अपने सात्विक वीणा की लोकप्रियता को अपने पूरे विश्व में प्रसिद्ध किया। हम सभी को जानकर खुशी होती है कि वादन कला के लिए आपको कैनेडा से विश्व प्रसिद्ध पुरस्कार जूनो अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। शास्त्रीय स्वर वाद्य की वादन शैली में आप आलाप, जोड़, झाला तीनों के अतिरिक्त अति विलंबित, विलंबित, मध्य, द्रुत एवं अति द्रुत लयों में विभिन्न ताल एवं रागों की विशिष्ट बंदिशों की रचना कर राग विस्तार तथा विशेष शैली से प्रस्तुत करते हैं। यह सौभाग्य की बात है कि आज आप हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं पूरी सभा की ओर से आदरणीय सलील भट्ट जी का स्वागत करना चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। मैं माफी चाहता हूँ जी। आप सब लोग के साथ जुड़ के बहुत खुशी हो रही है और स्पिकमेके का ये एक बहुत ही अद्भुत प्रयास है, अद्वितीय प्रयास है। स्पिकमेके आज से नहीं बल्कि 42 साल, मोर देन 43 ईयर्स, डॉक्टर किरण सेठ इमेजिनेशन, उनकी क्रिएटिविटी और हमारे देश को डॉक्टर किरण सेठ और हजारों लाखों वॉलंटियर्स और कलाकारों का, आर्टिस्ट, ये एक मिला जुला बहुत बड़ा एफर्ट है जो एकमात्र ऐसा मूवमेंट है जो पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा में सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है। हमारे अपने ही देश में, हमारे अपने ही देश की संस्कृति, अपने ही देश के शास्त्रीय संगीत को अपने ही देशवासियों तक पहुंचाने की, अपनी ही नई पीढ़ी तक पहुंचाने की एक ऐसी ये अद्वितीय पहल रही है। सच अ वंडरफुल इनिशिएटिव बाय डॉक्टर किरण सेठ एंड एवरीवन इन्वॉल्व। कि दिस हैज रियली कैरिड फॉरवर्ड आवर इंडियन ट्रेडिशन, कल्चर, म्यूजिक, एवरीथिंग, एंड इट्स अ वंडरफुल विंडो फॉर द वर्ल्ड टू टेक अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट, हाउ द परंपरा गोज ऑन, हाउ द विरासत, द हेरिटेज, हाउ इट पासेस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। एंड जैसे परंपरा जैसा नाम का भी है, तो उसमें मैंने ये अपने गुरु जी से ये
प्रार्थना करी कि परंपरा है, तो अगर आप कुछ देर के लिए यहाँ इसमें अपना समय दें तो इज वेरी वेरी काइंड ऑफ आप है। इज द फर्स्ट फ्यू आर्टिस्ट जिन्होंने स्पीक मैके के आइडिया को सपोर्ट किया था आज से मोर देन 43 ईयर्स को। और अपने जितने भी आज यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स, मेरे फ्रेंड्स जो भी देख रहे हैं, उनको भी मैं बहुत गर्व से बताता हूँ। स्पीक मैके से मेरा जुड़ाव बहुत पुराना ही है। जो स्पीक मैके का पहला कार्यक्रम जयपुर में हुआ था, तो वो पंडित जसराज जी के एक बहुत ही सीनियर डिसाइपल थे, डॉक्टर मुकुंद राज जी, उनके घर पे हुआ था। वो बहुत हम्बल बिगनिंग्स हैं, लेकिन बहुत सिंसियरिटी से वो सारे कॉन्सेप्ट हुए थे। और उसमें मैं एक 8-9 साल का बच्चा रहूंगा उस समय, तब ये कॉन्सेप्ट हुआ था मोर देन 42 ईयर्स ago। तो उस समय मैंने सारी जो बिछाया पर्ची व्यवस्था जो हुई जमीन पे बैठ के, दरी और चादर वो सब मैंने बिछाया था। उस नके का वॉलंटियर तो मैं 43 साल से पहले, और उस समय भी डॉक्टर सेठ ने मुझे देख के मेरे गुरु से पूछा था, ये बच्चा कौन है, बहुत एंथुसियास्टिक लिए सब जमा रहा है, सब स्टेज पे सब लगा रहा है, आपकी वीणा उठाने की कोशिश कर रहा है। तब उन्होंने बोला था कि ये मेरा पुत्र है सलीम, तो स्पीक मैके से जुड़ा और उससे लगाओ। ये आज के नहीं, बहुत हमारी 2 जनरेशन तो आपको दिख रही है, और ये जो कर रहे हैं ये सारा जो मोबाइल के मेरे पुत्र हैं सात्विक, जिनके नाम पे ही मैंने बनाई है, तो वो भी इन्वॉल्व हैं, उनको भी एक भी हेलो मैं लास्ट में जरूर करूँगा आपको। पंडित जी, राम जी, जी मैं कुछ बोल दूं, जरूर सर। मैं ये कह रहा हूं कि जैसा कि सलील ने ऑलरेडी बोल चुके हैं कि एक बहुत बड़ी मुहिम हमारे देश में हमारे शास्त्रीय संगीत को बचाने के लिए डॉक्टर किरण सेठ साहब ने शुरू की, और उनका सहयोग इतने वॉलंटियर्स ने दिया, इतनी अच्छी तरह उसको आगे बढ़ाया कि हम अभी बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी अब भारतीय शास्त्रीय संगीत को जानने लगी है, कलाकार को पहचानने लगी है, और शास्त्रीय संगीत कैसे सुना जाता है वो अब उनको समझ में आने लगा है। इसके पीछे जो गरिमा जो बना के रखनी पड़ती है वो भी समझ में आ गई कि हम अपने जूते उतार के आना चाहिए, हमको जमीन पर आलती पालती मार के बैठ के और पूरी ध्यान से ध्यान योग की तरह उसको सुनना चाहिए, संगीत को आनंद देना चाहिए, क्योंकि ये संगीत को आत्मा की संतुष्टिकरण का कार्य करता है। स्पीक मैके को ये बहुत बड़ा ट्रेंड होना चाहिए। मैं उन लोगों से अपील करना चाहता हूँ जो आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं कि जहां से भी हो सके इस ऑर्गेनाइजेशन की मदद होनी चाहिए, और खासकर हमारे जो सरकार है, कल्चर डिपार्टमेंट है, उन तक अगर हमारी आवाज पहुंचे तो यही कहना चाहूंगा वेरी हम्बली कि दिस ऑर्गेनाइजेशन नीड्स फाइनेंशियल हेल्प नाउ। बहुत अपने पैरों पे खड़े होकर बहुत काम किया, लेकिन नाउ इट्स ए बैड टाइम विच वी आर पासिंग थ्रू, सो एट दिस टाइम वी रियली नीड सम पेट्रोनेज फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पेशली द कल्चर डिपार्टमेंट। दिस इज माई अपील। आई विल हैंड ओवर टू सलील नाउ फॉर सम म्यूजिक। जी बताएं। धन्यवाद सर। तो अभी हमारे पास कुछ छात्र उपस्थित हैं कुछ सवालों के साथ, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे श्रद्धा से। श्रद्धा, गुड इवनिंग सर एंड ऑल ऑफ प्रेजेंट हियर। आई एम श्रद्धा जायसवाल फ्रॉम केवी अंबाजरी नागपुर। सर माय क्वेश्चन टू यू इज दैट व्हेन यू मेड योर फर्स्ट प्रेजेंटेशन विद सात्विक वीणा, व्हाट वाज एक्सपीरियंस ऑफ यू एंड योर ऑडियंस? It's a very, very interesting question which you've asked. And Sattvic Veena, as you can see, is a very highly Indianized version of the Western Hawaiian guitar. Or this has been made by taking thorough inspiration from Mohan Veena, the
instrument played by my guru. And now the first concert of Sattvik Veena was really very, very interesting because I was already playing Mohan Veena. When I created this, my very own Veena, my very own version, that was about 22 years ago. And coincidentally, at the same time, my son was born. So the Veena and my son, they both were named. My son was named first, and immediately after he was named, then this Veena got the name of Sattvik Veena, because it came into existence just with my son. So this was very, very special for me. And I remember that I played the first concert on Sattvik Veena I played was in my hometown only. Actually, it's very difficult when you are playing for your home audience, when you're playing for members of the family who are sitting in the audience, definitely a very big challenge. I played my first concert in Jaipur only, and that was one of my most memorable concerts because I never expected that this instrument would give so much attention and so much support to me. And this, the sound, the kind of sound which I was hoping and I was expecting, I could get a lot of that, because experiments and betterment, they always keep on going. It's a never-ending journey. The quest for sound, which was initiated by my guru on his Mohan Veena and on his Vishwa Veena, definitely continues to Sattvik Veena. And this knowledge, what I was able to share with the audience, I really got some fabulous feedback from all the listeners, the common listeners, the connoisseurs, and the media, and everyone. They're all very happy. Something fresh had come to the scenario of Indian culture. Yeah. Thank you, sir. Tell me. Now, hello. Now, yes. We have Nidhi a question. Nidhi, please go ahead. Dee, could you unmute yourself, please? Go ahead. Begin. Namaskar, sir. Mera naam Nidhi Deep, chhatra SD Public School, Patel Nagar, Nayi Delhi. Sir, mera aapse question ye hai, videsh mein log Bharatiya Shastriya Sangeet ko kitna samajh paate hain? Dekhiye, हमारे अपने देश की तो सभ्यता संस्कृति हजारों वर्ष पुरानी है, हमारा संगीत हजारों वर्ष पुराना है, और हमारे कुछ जो पुराने इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे वीणा है, तो उसकी कई जो है एंग्रेविंग्स मिलती हैं जो कई हजारों साल पुरानी है। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विदेशों में हमारे संगीत को लोग कम समझ रहे हैं। विदेशों में ये मैंने नोटिस किया है कि वो लोग जब भी म्यूजिक के हमारे कॉन्सर्ट अटेंड करने आते हैं, चाहे अमेरिका में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे जापान में हो, चाहे जर्मनी में, कहीं भी हो, तो वो लोग इंटरनेट पे पूरा रिसर्च करके आते हैं। गूगल पे वो आर्टिस्ट के बारे में, आर्टिस्ट के इंस्ट्रूमेंट के बारे में, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के बारे में उसकी प्रेजेंटेशन देख के, यूट्यूब में एक बार उसका एक व्यू लेके, उसका एक पूरा एक एक समराइज एक वर्जन वो अपने दिमाग में पहले ही बना लेते हैं। तो दे नो व्हाट दे आर गोइंग टू अटेंड, उनको पता होता है। दे ऐसा नहीं होता है कि वो एकदम ब्लैंक आते हैं। हाँ, 5-10% लोग तो हमेशा ऐसे होते हैं जिनको नहीं कुछ पता, तो दे ऑलवेज गेट नो म्यूजिक। लेकिन 90% 95% जो ऑडियंस किसी बाहर की फॉरन कंट्रीज की, अमेरिकन या यूरोपियंस या जापानीज या कहीं भी, न्यूजीलैंड बोल दीजिए, ऑस्ट्रेलिया बोल दीजिए, कहीं भी, they come kind of prepared, they already know. Aur toki mere guruji to 85 countries se zyada ja chuke hain, so I think iske bare mein agar bola hai wo bhi bolenge to that will be so amazing. Dekhiye, duniya mein agar koi cheez ek universal hai, common hai, to wo sirf sare gama baja nahi tha, sangeet ke saath puri duniya mein ek hai, varna there is so much difference of language, culture and tradition.
बट अगर ये सा है तो ये सा तो एक जैसे है, चाहे वो लॉस एंजलस हो, चाहे टोक्यो हो, चाहे जयपुर हो, ये स्वर शाश्वत है और एक से रहते हैं। इसलिए आपका सवाल जो है वो उसका जवाब ये है कि बहुत अच्छी तरह समझते हैं सब, बहुत अच्छी तरह स्वर ताल को समझते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि बहुत इंट्रिकेट जो बहुत तेज होती है वो शायद इतना उनको समझ में आ जाता है। अगर हर हर चीज स्वर में और ताल में है तो समझ में आ जाएगी। ये मेरा जवाब है। तो ये जो राग मैंने बोला गाया था थोड़ा सा, वो राग किरवानी था। राग माइनर स्केल जिसका वेस्टर्न वर्ड में उसको बोलते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं कि कोमल गंधार और कोमल नहीं, ये दो सर बाकी शुद्ध लगते हैं। तो ये उसका इंट्रोडक्शन। ये रेडी फॉर एनी अदर क्वेश्चन। धन्यवाद सर। तो अभी रुंझुन आप आके अपना सवाल पूछिए। रुंझुन हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। आपको आवाज आ रही है हमारी? शायद स्टूडेंट्स के रुंझुन आवाज नहीं आ रही जी। तो रुंझुन आप अभी एक मिनट रुक जाइए, हम आपके पास वापस से आएंगे, ठीक है? आपका जब सवाल वो हो जाएगा तो। तो क्या आप प्रणति आ सकती हैं? प्रणति क्या आप अपना सवाल पूछ सकती हैं अभी? मैं कर दिया हूँ। प्रणति आपकी आवाज भी हमें नहीं आ रही है। हेलो ओके तो अभी क्या कशिश आ सकते हैं? नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम कशिश है, कशिश उपाध्याय। मैं छात्र एसडी पब्लिक स्कूल पटेल नगर नई दिल्ली। पंडित जी मैं गुड इवनिंग सर। मैं प्रश्न आपसे ये जानना चाहती हूँ, जब आप सात्विक पीना बना रहे थे तब आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? हाँ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आपका जो प्रश्न है वो सात्विक बीना से एक बार फिर पुनः रिलेटेड आया है। तो देखिए, कोई भी वाद्य बनाने में कठिनाइयां आएंगी, हमेशा आती हैं। इंस्ट्रूमेंट बनाना एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट जैसी मैं मानता हूँ, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट बनाने से ज्यादा जरूरी यह है कि आप इंस्ट्रूमेंट को कैसे बजा सकते हैं। ये सबसे जरूरी है, क्योंकि वो ऐसा एक नोटिस किया है कि बहुत सारे अभी ऐसे कुछ नए नए वो देखने को मिलते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट बनाने तो बहुत आसान है, तो फर्नीचर के पीस की तरह हो गए, लेकिन अगर आप उसको बजाएंगे उसमें आत्म भरेंगे तब जाके वो एक्चुअली वो इंस्ट्रूमेंट करेंगे। तो मोहन वीणा जो पंडित जी ने करीब 55 वर्ष पहले आए,
उसमें मैंने अपनी हथी रखी, तब जाके उसको प्रयोग हुआ, वरना तो एक हथी से तो फर्नीचर भी बनाया जा सकता है। तो अगर उसको बजाना नहीं आए उस बात के, खाली शो के लिए, खाली एक किसी को फॉलो करने के लिए आप बना लेते हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंस्ट्रूमेंट बनने में जो जितनी कठिनाइयाँ आती हैं वो आई, और कई उसके कई पीस जो है, कई प्रोटोटाइप बने, लेकिन साउंड वैसे नहीं आया, सर्टिफाई नहीं थे। और मेरे गुरु जी से भी पूछता ही था कि ये साउंड सही आ रहा है या नहीं आ रहा। बहुत कई को मैंने रिजेक्ट किया, तो फाइनली जब ये पीस बना तो मैं इतना ज्यादा इसको लेके नर्वस था कि मैंने इसको कम से कम 2 महीने इसको बजाया ही नहीं था। आई जस्ट लेट इट शाम को तो बजाना शुरू किया, तो इतनी अच्छी जो है ध्वनि आई, साउंड उसकी भाग गए हुए थे, बट जब आया मुझे बजाते हुए उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा ये तो लगता है या ये हाथ मैंने जो है बिल्कुल निर्धारित हुआ था और ये अब इंस्ट्रूमेंट कम्प्लीट हो गया। कम से कम 2.5 साल तक स्ट्रगल करता रहा, 2.5 से 3 साल में स्ट्रगल किया, तब मुझे इंस्ट्रक्शन किए सही सामान सही। तभी पंडित जी अभी मैं आग्रह करना चाहूंगा प्रणति से, प्रणति अगर आप अब आप सुन पा रही हो। हाँ जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आई एम प्रणति सिंह फ्रॉम दिल्ली पब्लिक स्कूल गुड़गांव। मैं 11वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और मेरा आपसे सवाल यह है कि यू हैव ऑलवेज सीन योर फादर प्ले द मोहन वीणा राइट फ्रॉम योर चाइल्डहुड, एंड सो एट व्हाट टाइम डिड यू रियलाइज दैट यू टू शुड लर्न वीणा एंड मेक अ करियर इन इट, एंड व्हाट वाज योर लाइन ऑफ थॉट टू मेक योर ओन वर्जन ऑफ द वीणा? देखिए, मैं मेरा जन्म हुआ उससे पहले से ही मेरे गुरु मेरे पिता जो है वीणा बजा रहे हैं, 55 वर्ष पहले उन्होंने मोहन वीणा का सृजन कर दिया था। तो मैं जो बोल रहा हूँ, मेरी जो जो मेरी अपब्रिंगिंग हुई वो लिटरली वीणा के साथ हुई, और आज गुरु जी मेरे पिताजी सामने बैठे हुए और आप लोग भी सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो मैं ये आपको बहुत सच्चाई से बात बताता हूँ कि मुझसे ज्यादा, मुझसे 10 गुना नहीं, मुझसे 100 गुना ज्यादा समय उन्होंने अपनी मोहन वीणा को ही दिया, मुझे नहीं दिया, और मैं उसके साथ ही पढ़ा हुआ हूँ। आपको लिटरली बता रहा हूँ मैं कि मैं जब 1 साल या 2 साल का एक समय मेरी उम्र रही होगी, तो जब वो वीणा बजाते थे तो मैं वीणा के बहुत ही करीब आ जाता, जैसे कि ये वीणा रखती है तो मैं लिटरली यहाँ से आके यहाँ सामने चुपचाप ऐसे छिप के ऐसे लेट जाता था और अपना कान मैं इस पे लगा देता था, मुझे बहुत तेज आवाज आती थी, बड़ा अच्छा लगता था मुझे, और उसी में मैं घंटों सुनता रहता था चुपचाप बिना डिस्टर्ब किए, बिना उनसे बातचीत किए, तो वो घंटों बजाए चले जाते थे। और वो संगीत जो है वो पता नहीं इतने इतने बचपने से मेरे मन मस्तिष्क में गया, जस्ट वेंट इनसाइड माय यू नो, इट वाज देयर इन माय माइंडसेट राइट सिंस द वर्ड गो। आई लर्न म्यूजिक, आई लर्न सारे का मतलब, आई लर्न ऑल द स्वरस, आई लर्न ऑल द नोट्स बिफोर आई लर्न माय क ख ग घ या ABCD। हिंदी और इंग्लिश के ये जो अक्षर ज्ञान जो होता है उससे पहले मेरा स्वर ज्ञान मुझे कराया गया। मेरे ग्रैंड फादर, मेरे ग्रैंड मदर, आई एम सो लकी कि मैं मुझे उनसे भी सीखने को मिला। मेरे ग्रैंड फादर पंडित मनमोहन भट्ट, मेरी ग्रैंड मदर विदुषी श्रीमती चंद्रकला भट्टी, उन्होंने मेरे स्वर ज्ञान कराया, क्योंकि मेरे गुरु के पास समय नहीं होता था। तो करीब 10 साल की मेरी उम्र रही होगी, अब नाउ आई एम गोइंग टू बी 50 इन दिस कमिंग जनवरी, तो ऑलमोस्ट 40 ईयर्स मुझे हो गए वीणा के साथ। मैं स्ट्रगल करता था, जितनी मैं अपने तरफ से जितने एफर्ट्स कर सकता था मैंने किए, जितनी भी कोशिश कर सकता था मैंने करी, और 40 ईयर्स मुझे हो गए थे वीणा के साथ। और 40 ईयर्स में मैंने क्या अचीव किया, क्या नहीं किया, वो मैं तो नहीं कह सकता, मेरे गुरु सामने बैठे हैं, तो उन्हीं से आप पूछ लीजिए, उन्हीं से जान लीजिए कि मेरा क्या रिपोर्ट है, क्या मैं क्या किस लायक बना नहीं बना, ये मैंने कभी टेंशन नहीं किया।
मैंने बजाने में ध्यान रखा, बहुत सिंपली बजाया, और मेरे गुरु सामने ही बैठे हैं और ये सारी दुनिया के सामने जो देख रहे हैं आज, 50 देशों में लोग देख रहे हैं। तमिल बोलता हूँ कि सबसे कम समय जो है वो मुझे मिला है और ये मेरे गुरु सामने बैठे हैं, आप इनसे बात कर लीजिए। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं एक्चुअली जो तालीम देने का जो मेरा एक ढंग है वो ये है कि शिष्य को इतना इंडिपेंडेंट बना देना चाहिए कि वो अपने आप से संगीत का सृजन कर सके। एक तो होता है रटा रटाया, आप बजा देंगे, आप सिखा देंगे, रटा रटाया, लेकिन वो रटा रटाया ही संगीत नहीं है, उसके अलावा आपको अपना स्वयं का दिमाग लगा के और राग की कल्पना का उड़ान जो है उसकी उड़ान आपको लेनी पड़ेगी। हम सिर्फ चलना सिखा सकते हैं लेकिन दौड़ना तो भगवान ही पड़ता है। तो मेरा ये रहता है स्टूडेंट को, मैं इस तरह की तालीम देने की कोशिश करता हूँ कि उनको थोड़े दिन बाद, चाहे 10 साल भी लग जाए, उनको रास्ता दिखाई दे जाएगा कि ये हमको करना है, ये हमको बनना है, यहाँ हमारी कमी है, ये अलंकार है कि सारे का मेरे। आसानी समझ में आ सके वही वही कार्य हमारे यहाँ पीढ़ियों से करता आ रहा है, चाहे मेरे गुरु हूँ, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरा पुत्र है, तो ये पीढ़ियाँ इसमें ही लगी हुई हैं। और जहाँ तक डॉक्टर किरण सेठ साहब का मैं एक बार पुनः जिक्र करूँ, तो उन्होंने मेरे मेरे ग्रैंड मदर से भी उनकी भेंट हो चुकी है एक बार, मेरे फादर मेरे गुरु से तो वो मैनी डेकेड्स से परिचित हैं, मुझसे भी हैं, मेरे पुत्र थे। तो डॉक्टर किरण सेठ एक ऐसे अनूठे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने हमारे फैमिली के 4 जनरेशन से जो मिले हुए हैं, तो जहाँ ये कहा जा रहा है कि 10, 12, 15 पीढ़ियों से हमारे फैमिली का काम चलता आ रहा है, तो 4 पीढ़ियाँ तो प्रत्यक्ष डॉक्टर किरण सेठ ने, और जो कमेटी के जो सीनियर वॉलंटियर हैं, जो सीनियर मेम्बर्स हैं, उन्होंने भी ये हमारी 4 पीढ़ियों को देखा है, 4 पीढ़ियाँ तो सामने। और आप सभी लोगों से, स्टूडेंट से, जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग म्यूजिक में हैं, जो लोग नहीं है म्यूजिक में, उन सबसे मेरी ये एक प्रार्थना है कि ये समय सबसे ज्यादा कठिन है म्यूजिशियंस के लिए, बाकी दुनिया सब चल पड़ी है, सिर्फ हमारा संगीत हमको रीस्टार्ट करना है। एक काश एक ऐसा बटन हो कि रीस्टार्ट हो जाए और सब कुछ वैसा ही उतना ही सुंदर
और उतना ही इजी हो जाए जितना इस सब परेशानियों से पहले था। तो ये एक कलाकार, मैं एक पूरी कलाकार फेडरेशन की तरफ से सबसे अपील करता हूँ, जो अगर गवर्नमेंट की सुन रहे हैं या कोई भी सुन रहे हैं, कि हमारी एक्टिविटीज को क्यों बंद किया जा रहा है जब हर एक चीज दुनिया में खुल चुकी है, एवरीथिंग इज ओपन नाउ, एवरीथिंग इज मूविंग। तो हमारा भी ये जो म्यूजिक का जो डिपार्टमेंट है, हमारी म्यूजिक की फील्ड है, म्यूजिक के कॉन्सर्ट्स हैं, म्यूजिक ऑडिटोरियम है, अब नाउ इट्स हाई टाइम, 4 महीने हो गए, और प्रिकॉशंस के साथ और सुरक्षा के साथ सभी लोग आगे अपना काम बढ़ा रहे हैं। तो कलाकारों को भी ये पूरा अधिकार होना चाहिए, उनके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम जल्दी ही आप लोगों से प्रत्यक्ष रूप में मिलेंगे, ऑनलाइन तो है लेकिन प्रत्यक्ष रूप में मिलेंगे। और अपने गुरु की तरफ से एक बार पुनः मैं आप लोगों सबको धन्यवाद देता हूँ। स्पीक मेकर के लिए जितने भी शब्द बोले जाएं कम ही होंगे, उनका जो योगदान है भारतीय शास्त्रीय संगीत को युवाओं में प्रचलित करने का वो सर्वविदित है। और मेरी बहुत शुभकामना है इस ऑर्गेनाइजेशन को, इसी तरह से ये बलता फूलता रहे। और आप जो सभी वॉलंटियर्स स्पेशली जो इसके लिए इतनी शिद्दत से काम करते हैं, इतनी ईमानदारी से काम करते हैं, उनको सबको मैं नमन करता हूँ। और किरण, डॉक्टर किरण सेठ जी को भी नमन करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसी शुरुआत की है जो हम सोचा ही करते थे किसी समय में कि युवाओं को हम कैसे अपनी तरफ खींच के लाए हमारे संगीत की तरफ, वो काम उन्होंने करके दिखाया। भारत सरकार की ओर से पद्मश्री की उपाधि भी उनको मिली, यानी स्पिक मैगे को मिली, अपना क्रेडिट वो स्पिक मैगे को ही देते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मेरी बधाई और शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो श्रोता और दर्शक जो है उनको ये जरूर बताना चाहूंगा कि इंटरेक्शन जो है अभी समाप्त हुआ है, लेकिन जो मेरा जो वीणा वादन है वो आगे उसका तरीका जारी है। सरिल जी माफ कीजिएगा, हमारे पास 3 बच्चे और हैं, थोड़ा नेटवर्क इश्यू आया था उसके कारण 3 बच्चे और हैं जिनके सवाल बचे हैं। अगर आप बेशक आप बताइए मुझे, प्लीज बताइए। और सलील जी बहुत ही धन्यवाद इतनी मनमोहक पेशकश के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद स्पीक मके का इतना प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, दोनों पंडित जी और सलील जी दोनों को। पुण्य आप अपना सवाल पूछ सकते हैं अभी। सवाल पूछिए। Am I audible sir? Yes, आपकी आवाज आ रही है हम तक। Thank you sir. Good evening sir. I am Punya Sharma from DPS Gurgaon. My question is with reference to your album Slide to Freedom 2. So in that album, you've collaborated with strong genres like jazz and blues. I would like to ask how you maintained the integrity of Indian music, Indian classical music, while collaborating with such strong genres that have such a strong presence of them. Very few questions come which are directed so particularly on any particular of my album. Slide to Freedom is my whatever you call my glory album, because I did Slide to Freedom 1, 2, and 3, STF it was called, and I got the rare honor of being the first ever Indian musician to be nominated for the Juno Award. That's equivalent to the Canadian Grammy, the equivalent of Grammy. I also got the Grassroots Grammy nomination along with A.R. Rahman in the year 2010 for the same album, Slide to Freedom, in which I played with the blues legend Duck Fox from Canada. He's a great blues singer and a guitar player. And then there were other musicians and singers also. John Butte was also there. And there were so many musicians doing funk and blues and bluegrass. And all those, but you know, if you talk about genre, Indian classical music is perhaps the strongest of them all, right? Because it's rooted, it's thousands of years old, it's carrying such a wonderful heritage and legacy. Year after year, decade after decade, and century after century, it's been there. It's very strong, and I'm telling you that, please trust my words, that it was quite fun and it was very easy to collaborate with any given genre, because I grew up listening to some wonderful collaborative works of my guru. I mean, the world knows that in 1994, my Guruji, Pandit Vishwamohan Bhatji, who's sitting right next to me, he brought home
He brought India the biggest, the highest honor in the music fraternity, the Grammy Award, in the year 1994 for his album, A Meeting by the River. That is such a pioneering effort, and that performs that performance which he gave in his album, and that's a landmark. It's a historic album. I grew up listening to that album, you know, and he did at least 50 of collaborative projects, other projects with other artists. He has many Grammy nominations also, which people don't know. So it was quite an interesting journey. And because I was already educated beforehand, jumping into this arena, because my Guruji always says, ki agar aapko kisi maidan mein utarna hai, to aapko ladna aur bachna aur bachana dono aana hai. To is maidan mein poorne se pehle fusion aur collaboration ke usme I was well educated even before I entered that arena. To apne honor to apna honor hi hai. Koi bhi usko aake diminish nahi kar sakta, and collaboration is about coming together. Collaboration is about bringing all the honors together. Bahut hi ek wonderful camaraderie sabhi musicians ke beech mein, bahut hi zabardast ek mahol, aur uske baad uska aap dekhiye result kitna acha hua ki wo itne top level pe gaya. Aur I am perhaps the only Indian musician who was called specially by the Government of Canada on Canada Day celebration. जैसे USA का Independence Day होता है 4 जुलाई को, वैसे Canada का Independence Day होता है शायद 1 या 2 जुलाई को, वो मेरे दिमाग से निकल गया है. Anyway, but that the most important thing is कि वहाँ की government ने मुझे specially बुलाया था, और Canada Day जो function हुआ था Independence Day of Canada, वो बहुत बड़ा function हुआ था, more than 65,000 people were there, and that function was held in Calgary, the same year in which I got the nomination. Wonderful life. Thank you so much. Thank you, sir, for your fantastic. Thank you. Runjhun, can you come now? Am I audible now? Yes, I can hear. तो पंडित जी और सलील भट्ट जी, आप दोनों को मेरा सादर प्रणाम. और मैं रुंझुन जैन हूँ, कृष्णा पब्लिक स्कूल रायपुर छत्तीसगढ़ की 12वीं कक्षा की विद्यार्थी हूँ. और मेरा आपसे प्रश्न ये है कि जिस प्रकार आपने हवाईयन गिटार को उसके उससे आपने मोहन वीणा की रचना की, उसके बाद फिर आपने सात्विक वीणा की रचना की, तो इससे शास्त्रीय संगीत को कैसे बढ़ावा मिला उसमें, उसकी उन्नति में, उसकी प्रगति में कैसे उसका बढ़ावा मिला, उसमें योगदान? देखिए, वैसे तो हमारे यहाँ इतने साज हैं और एक से एक बढ़ के अच्छे साज हैं ऑलरेडी, लेकिन कभी कभी कुछ कलाकार तो दिमाग में आता है, ऐसे मेरा भी दिमाग में आया कि कुछ नया करूं. इस मोहन वीणा में जो खूबी है वो ये है कि इसमें गायकी अंग और तंत्रकारी अंग दोनों का उचित समावेश हो जाता है. और जो वीर है, जैसे कि अब ये बिना तोड़े हुए आवाज जाती है, ये गायकी है, ये बिना तोड़े हुए. देखिए, रे ग म ग म प म प द प म ग रे, ये तो ये इसके कठिन मूव्स हो गए, लेकिन जब इसको हम गायकी में ये गायकी है. और तंत्रकारी दर 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 बजाए जाते हैं, तो ये गायकी और तंत्रकारी अंग दोनों अगर मिल जाते हैं तो वो साज बहुत अच्छा माना जाता है. उसका ही मेरा एक सूक्ष्म प्रयास था 55 साल पहले. तो शास्त्रीय संगीत के लिए मेरा बहुत छोटा सा योगदान, जिसको मैं बहुत ही सूक्ष्म मानता हूँ, वो देने की मैंने कोशिश की. जी, नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन.
धन्यवाद सर। अब अनीशा, अनीशा आप अपना सवाल पूछेंगी। जी जी बिल्कुल जी अनीशा। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते पंडित जी। मैं अनीशा त्रिवेदी केंद्रीय विद्यालय अंबाजरी नागपुर से बोल रही हूँ। मैं 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ। सबसे पहले गुरुजी, मुझे आपको ये बताना है कि मैं जो आपका ये वीणा सुन रही थी, आप का करूँ सजनी बजा रहे थे मेरे ख्याल से, मुझे इतना इतना पसंद आया कि साथ साथ में मैं भी यहाँ भी गुनगुना रही थी, क्योंकि मैंने ये वाला गीत बहुत जगह परफॉर्म किया है। मैं भी एक क्लासिकल सिंगर हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ना बोलूं और बस आपकी वीणा सुनती रहूं। मेरा इतना इतना मनमोहक आपकी वीणा, आप इतना अच्छा प्यारा बजाते हैं, ऐसा लग रहा है वो वीणा बोल रही है। का करूं सजनी आए ना बालम, मुझे बहुत बहुत पसंद आया, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। गुरुजी मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि आपकी जो शुरुआत से लेके कनाडा जाने तक की जर्नी और आपको इतने बड़े अवार्ड से सम्मानित किया गया, आपकी आपकी जर्नी में क्या क्या आया, मतलब शुरुआत कैसे हुई, कैसे आप वहां तक पहुंचे, मुझे आपसे ये जानना है। देखिए मेरी जो सांगीतिक यात्रा है वो मेरे गुरु के चरणों से ही प्रारंभ हुई और अभी भी मैं अपने गुरु चरणों को देख के ही मैं अपनी पल पल और अपना हर दिन आगे बढ़ाता हूँ। और ये मेरी बहुत अहोभाग्य है, ये बहुत बड़ी जिसे कहते हैं खुशकिस्मती है, ग्रेट फॉर्च्यून, ग्रेट फॉर्च्यून, मैं एक ऐसे महान कलाकार के घर पैदा हुआ और मुझे उनके साथ संगीत यात्रा करने का इतना इतना अनुभव मिला। और बचपन से, आज से नहीं, बचपन के ये बहुत बहुत पहले से ही मैं उनके साथ ट्रैवल करता हूँ। मुझे ये बहुत बहुत ज्यादा रोचक लगता था। आई यूज़ टू फील सो थ्रिल्ड कि उनके साथ मैं कहीं एक शहर से दूसरे शहर में जा रहा हूँ। अब वो यात्रा, वो जर्नी कितनी इंटरेस्टिंग हो रही, कभी ट्रेन से जाते हैं, कभी किसी दूसरे व्हीकल से जाते हैं, कभी फ्लाइट से जाते, कभी कैसे जाते, कभी अपने पर्सनल व्हीकल से जाते, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एक मुझे ये जर्नी लगती थी। वहाँ पहुंचे, फिर वहाँ स्टेज पे गए, फिर वो कैसा सब इतने हजारों लोग इंतजार कर रहे हैं प्रोग्राम के बाद, कितने लोग इनसे उनके ऊपर टूट पड़ते ऑटोग्राफ दो, उसमें मैं भीड़ में मैं बिल्कुल धकेल दिया जाता था पीछे, छोटा सा था मैं, तो मैं ये सब चीज ऑब्जर्व करके ऑल वॉट एम्पायर्ड इनटू मी, ये सब मैंने देखा, सीखा, सुना, समझा, उनके साथ इतना ट्रैवल किया मैंने। और जब मैं खुद इंडिविजुअल अपनी परफॉर्मेंस के स्टेज पर आया तो मुझे कुछ अलग या कुछ अजीब लगा ही नहीं, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ मैं अनफेमिलियर सा कुछ कर रहा हूँ। मुझे लगा कि हाँ ये तो हमारा रोज का ही काम है, ये तो फेमिलियर है, ये तो जैसे घर में आप बैठ के बातचीत कर रहे हैं, घूम रहे हैं, वैसा ही मुझे लगा। तो उससे गुरु के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से, और यही मैं आप लोगों को ध्यान दे देता हूँ कि संगीत हो या शिक्षा हो या कोई भी फील्ड हो, एजुकेशन हो, एनी फील्ड, एनी स्फीयर ऑफ लाइफ, गुरु की महत्व, गुरु की इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप ये सोच लें कि हाँ अगर मैं 10-12 घंटे में प्रैक्टिस कर लूंगा, 10-12 घंटे का कोई इंस्ट्रूमेंट बजा लूंगा तो मैं कोई बहुत बड़ा कुछ बन जाऊंगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर 10-12 घंटे आप गलत आपने प्रैक्टिस कर ली, क्योंकि 90% हमारे लगते ही आते हैं हमारे पास जो गलत प्रैक्टिस किए हुए आते हैं, गलत टेक्निक बजाते हुए आते हैं, तो सबसे पहले तो गुरु का एक काम है। अभी आज जब मेरे पास स्टेज पे आए मेरे प्रार्थना के, तो उन्होंने आते ही मुझे एक ऐसा मुझे ऐसा सबक दिया कि जो मुझसे अभी बजाई नहीं, मुझसे मुझे बजाने में पता नहीं कितने दिन लगे। यही एक ये गुरु की महानता है। और इसी तरह यात्रा आगे बढ़ी थी और कनाडा तो मैं इतना गया हूँ, कनाडा तो मेरा घर है। और कैसियस जो वहाँ के बहुत ही मशहूर तबला नवाज उस्ताद कैसियस खान, अगर वो देख रहे हो मेरा टेलीकास्ट तो उनको बोलता हूँ कि उनके साथ एक बड़ा जबरदस्त मेरा एल्बम स्लाइड टू फ्रीडम भी बना, और वो तो वहाँ तो घर ही है मेरा, उनके घर में मैं रहता हूँ, जाता हूँ। तो कनाडा तो इज जस्ट लाइक सेकंड होम टू मी, क्योंकि वहाँ बहुत लोग संगीत को प्यार करने वाले हैं। और गॉड विलिंग जब सब नंबर ठीक हो जाएगा तो दोबारा वहाँ जाऊँगा। तो म्यूजिक जर्नी जो है वो इट्स बीन अमेजिंग, इट्स बीन थ्रिलिंग, और ये तो अभी मैं मानता हूँ इट्स जस्ट बिगनिंग। थैंक यू, थैंक यू, बहुत 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 धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छे से सारे हमारे जो दर्शक हैं उनको अवगत कराने के लिए अपनी यात्रा के बारे में। और हमारे सभी छात्रों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जो इतने अच्छे सवाल लेके आए
और इस जो कि इस परंपरा उत्सव को भरपूर जी बनाते हैं। मैं बहुत अपनी धन्यवाद उनसे सर। पूछूंगी और उनसे करूंगा सबसे पहले कि उन्होंने अपना इतना कीमती समय मुझे दिया और स्वीकार कर दिया हमेशा की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही इंटरेक्शन सेशन हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you.
Thank you.
धन्यवाद पंडित सलील भट्ट जी और तबले पर चतुर लाल जी, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ और सभी श्रोताओं का एक बार फिर मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आज हमें इस परंपरा सीरीज के आज की संध्या में हमें हमारे साथ जुड़े और कल फिर जुड़िए हमारे साथ शाम को 6 बजे, क्योंकि कल हमारा डबल हेडर यानी दो प्रोग्राम्स कल हैं हमारे हैं, पंडिता विदुषी तृप्ति मुखर्जी जी एवं श्री सिकिल गुरुचरण जी हमारे साथ कल जुड़ेंगे, तो कल शाम को 6 बजे। धन्यवाद, शुभ रात्रि।